दोस्तों हेलो गाइस, मैं अपनी उस बंदी से ना ब्याह करना चाहता हूँ। मैं किसी को धोखे में लगता, मैंने एक ही बंदी बनाई अपनी लाइफ में, 8 साल का प्यार है। ये खुद बता दे कि तू नशे में लग रहा नहीं लग रहा, ये खुद बता देंगे, खुद बता देंगे कमेंट करके। नशे में ये खुद मैं खुद क्या तुझे। तो हे गाइस, सभी को राम राम दिल से। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हो रही है कि मैं अपना सारा सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, चार्जर लेके और गोप्रो। और भाई ये गोप्रो का जो कवर है ना, जो हेलमेट पे लगा हुआ है, ये भी मैं उतार लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं उतार क्यों रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे ना जस्ट अभी कहीं पर जाना पड़ रहा है। और मैं कहाँ पर जा रहा हूँ मैं ये अभी आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं ये भाई ये गोप्रो निकाल के रख देता हूँ साइड में, और मैं जा कहाँ पर रहा हूँ मैं ये भी बता देता हूँ। दोस्तों जस्ट मैं अभी भाई मैं जा रहा हूँ, ये मैं रजिस्टर हटा देता हूँ, रुको। ये जो एल्बम है स्वीटी की शादी की एल्बम है इसके अंदर, तो भाई मैं ये लेकर जा रहा हूँ कहाँ पर, लोनी, क्योंकि जो मेरा फोटोग्राफर था वो लोनी के वहीं का था, और वे मामा के घर के पास के, मामा का मौसी का लड़का था। तो वहीं पर मैं लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि ना इसमें ना थोड़ी प्रॉब्लम और दिक्कत आ गई है, तो मैं ये कैमरा भी लेकर जा रहा हूँ। तो दिक्कत क्या आ रही है मैं आप लोगों को बता दूँ। दिक्कत मतलब एक दो फोटो में आ रही है, वे फ़ोटो ठीक करवानी है। पीछे मैंने इस तरीके से रख लिया, देखो कितना अच्छा कर दिया मैंने सिस्टम। मम्मी कह रही है तेरे में बुद्धि बहुत है। तो दोस्तों भाई लेके किसको जाता, लेके अकेले जाना पड़ रहा है, इसलिए भाई मैंने इस तरीके से मतलब एल्बम रख ली पीछे, बैग के बीच में फंसा ली, क्योंकि मेरे दोस्त की तो भाई जॉब लग चुकी है नोएडा सेक्टर 15, डेली जाता है सुबह शाम, वो आता है सुबह जाता है शाम को वो आता है। तो मैंने इस तरीके से अकेले जाना पड़ रहा है, देखो सही कर लिया मैंने, फिट हो गई एकदम पीछे, ना यहाँ से निकल रही है ना यहाँ से कुछ दिक्कत है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मैं तुम्हें बता दूँ, इस रास्ते में बहुत ज़्यादा गड्ढे गड्ढे पड़ रहे थे, मुझे बड़ी दिक्कत भी हो रही थी, बट कोई दिक्कत नहीं, पहुँच जाएंगे 1 घंटे में, क्योंकि लोनी यहाँ से 30-35 किलोमीटर है बागपत से, जो बागपत के आसपास है उस सब उनको तो पता ही होगा। तो भाई धूप भी ठीक निकल रही है और बढ़िया एकदम जा रहे हैं, होले होले जा रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल दोस्तों जैसे मैंने बताया 1 घंटा लगा, तो देख लो मैं फंस गया था मामा के गेट में, मेन गेट में। तो भाई मैं पहुंच गया, मामा भी हंस रहे हैं, बात किस तरीके से लिया है बहुत बढ़िया। तो भाई मामा अपना कर रहे थे यहाँ पर काम, मैंने साइड में रखा कैमरा। और भाई पहले तो मैं थक गया था, क्योंकि भाई थोड़ा गड्ढे थे रास्ते में, और आराम से उतारा हेलमेट, और हेलमेट उतार के जो मैंने गर्दन चटकाई अपनी। और जैसे भाई मैं अंदर आया, तो भाई मैंने अंदर देखा उस तरह की, यहाँ पर तो संजी देवता बनने लग रही है, मतलब भगवान की मूर्ति तैयार होने लग रही है, क्योंकि नवरात्रि दोस्तों आ गए हैं बिल्कुल पास में है। तो मेरी नन्नी जी ने भाई ये बना रही है संजी और तरी और ता मेरी संजी माई और थो। भाई नहीं पता आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे यहाँ पर जैसे 9 दिन के लिए ना भाई देवी आती है घर पर, फिर हम इनकी मतलब खातिरदारी करते हैं, फिर 9 दिन बाद ये चली जाती है, 9 नवरात्र ये घर पर रहती है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात। जय श्री राम। तो तुमने 2 क्यों बनाई, फिर एक हमें दे दो। एक हम ले जाएंगे और क्या। अरे भाई बढ़िया लग रही है, इसमें कलर वाला रोग है ना, देखा जब कलर भरूंगी ना इसमें। मम्मी गर्दन चटक रही है इसकी, तो ये वैसे हो जाना रुई से और गौर लगा दूं। भैया मामा कब रखी, कब के नवरात्रि? 15 तारीख कब रखा? हां सुसुवारी मामा ने करी नहीं है, बना के मामा करो इस टाइम सुसुवारी है। जा अभी तो मेरे दर्शकों ने देखी भी नहीं, तुमने पहली नजर लगा दी। अच्छा मंदिर में आरती आरती मेरी संजी, ये क्या बना रहे, बिस्कुट ना कंगा, ये जूते हैं, जूते का है, ये जूती है, ये जूती है, ये कंगा है, ये बत्तख है, और ये नवरात्रों की तैयारी है, यो है कंगा। अब इसमें ये पंखा है, हाथ का। अच्छा पंखा है। अंश क्या बनाया तुमने, तुमने क्या बनाया, यो ना बताने का क्या बना, बता क्या चीज है, जल्दी बता क्या है, थोड़ी देर बाद भाई मैंने खाया मामा के साथ खाना, खाने में भाई आज घिया और क्या है भाई दही है।
जय श्री राम। खाना खा के थोड़ा समय चला गया था बाहर मामा के साथ मार्केट, मामा के छोटे वाले लड़के को बोल के टाटा, बट ये भी जाने की कर रहा था जिद, पर इसको मैंने बोला कर दे बाय बाय, हम आते थोड़ी देर में, तो ये समझ गया था समझदार है। वैसे गेट करे हमने बंद, सीधा बाइक पे बैठ के निकल पड़े। तो भैया मार्केट में कहाँ जाना है हमें, मार्केट में भी फिलहाल यहीं पे जाना है, तो चलो चलते हैं फिर दोस्तों, लोनी चलते हैं। तो भाई मामा को थोड़ा सा काम है और मैं भी सोच रहा हूँ अपने आईफोन का कवर देख लूँ अच्छा सा अगर कोई मिलता है तो मैं जा रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने मोबाइल के सारे काम कंप्लीट करता रहता हूँ, भाई बिना हेलमेट के पीछे ऐसा लगता है जैसे आंधी तूफान आ रखा हो। देख लो आँखें खुल भी नहीं रही है, देख लो कैसा हो रखा है, मतलब ऊपर से तो धूल के साथ साथ गाड़ी की स्पीड बहुत तेज बहुत आड़। भाई हम आए एक शॉप पे जहाँ पर आईफोन के कवर्स मैं देखने लगा, बट भाई यहाँ पे आईफोन के कवर तो दिखाई नहीं दे रहे। तो भाई कवर तो बहुत सारे हैं, मामा के साथ आ तो गया मैं, मुझे लगता नहीं मुझे यहाँ पर मेरा आईफोन का जैसा मैं चाहता हूँ वैसा कवर मिलेगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा गंदे हुए पड़े हैं। इसी के साथ मुझे यहाँ पर मिला एक खूबसूरत लड़का जो कि भाई बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेरा परेशान था, पैर हाथ जोड़ रहा था मेरे सामने। तो ये क्या क्या रहा था मैं तुम्हें बता दूँ, ये इसको मेरी बाइक चाहिए थी। बाइक क्यों चाहिए थी, बाइक इसलिए चाहिए थी क्योंकि इसको ना कहीं पर जाना था और मैं इसे मना कर रहा था, मैं अपनी बाइक नहीं दे रहा। ये रिक्वेस्ट कर रहा था भाई बाबूजी दिखा दो। दोस्तों मैं इसे इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सेट हो। मेरी एम्प्टी बाइक मांग रहा, एम्प्टी बाइक खड़ी मेरी वहाँ, ठीक है, इसे मैंने फर्स्ट टाइम दे दी थी जब इसने पहले मांगी थी, तो थोड़ा लेट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा तो हुआ था, फोन करके बुलाया था, फोन करके, ठीक है। अब फोन दोस्तों अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाना चाह रहा, गर्लफ्रेंड को मेरी बाइक पे बिठा के, तेरा इतने काम नहीं होगा, उससे पहले आ जाओ। लाइट आ तो नहीं रही, लाइट आ गई नहीं आई, आ गई दादा आ गई। मुझे भाई जो मतलब मेरे बाल बाल ये काटता है भाई, बहुत अच्छा काम आता है। राम राम भाई, भाई को सपोर्ट करो दिल से, कर दे ये सपोर्ट, तू क्या कर रहा, तू दे, मैं ये भाई मेरे को सुधारना चाहता है, मैं सुधरूंगा इतना तगड़ा और इतना बड़ा मेकअप आर्टिस्ट बनूंगा। मैक तो नहीं आ रही है तो ठीक है, छोड़ दे बाबू भाई यार, तूने एक दिन मुझे समझाया था ना कि फैमिली के देख के चल, तेरा भाई फैमिली को देख के चल रहा है, छोड़ दी भगवान मेरे भाई, कसम सुन जो मैं कुछ रखा था, मैं नहीं भी समझाऊँ दारू को, दारू मत पीना भाई, दारू से आप कुछ नहीं कर रहे, एक तो शरीर का नुकसान कर रहे हो और दूसरा अपनी लाइफ का जो इम्पोर्टेंट समय है ना वो नष्ट कर रहे हो, जो समय चला जाता है वो कभी नहीं आता, और समय की वैल्यू जो समझ जाएगा वो इंसान। यार तुमने कितनी कैडी बात किया थी, अब ये खुद बता दे कि तू नशे में लग रहा नहीं लग रहा, ये खुद बता देंगे, खुद बता देंगे कमेंट करके, नशे में हूँ ये खुद, मैं कुछ कह रहा तुझे, मुझे तो नहीं लग रहा तू, पर ये बता दे कमेंट में, कमेंट दिखा दो, कल मैं वो लोग डर लूँगा। यो अरे हम तेरे हर हर भी लोग देखते हैं, मेरा बाबू भाई है यार, तुझे दिल से मानता तेरा भाई दिल से, तो तू यौली की देखियो, पर तू दिमाग से मानना आज, कोई बात नहीं भाई, बाइक की भाई रहन के लोग बंदी को ले जा रहा बिठा के, मैं नहीं दे सकता, अगर स्प्लेंडर होती दे देता भाई, अगली तो पीछे सपोर्ट कुछ नहीं है। अरे बंदी की फिर यार गाल नहीं सुनवाएगा भाई, बंदी को दवाई दिला के लानी और आना है और कुछ नहीं करना। दोस्तों ऐसे भी तुमने देखे क्या रहे हो, बंदी की गोलाई में दर्द हो रहा, मुझे दवाई दुआला हो, परेशान है बाइक के लिए, देर से इधर उधर भटक रहा। दोस्तों हेलो गाइस, मैं अपनी उस बंदी से ना ब्याह करना चाहता हूँ, मैं किसी को धोखे में लगता, मैंने एक ही बंदी बनाई अपनी लाइफ में, 8 साल का प्यार है, उसे छोड़ नहीं सकता। यो लोग तेरे पापा भी देख लेंगे, पापा को देख लो, पापा को भी पता चलना चाहिए कि उनका लोंडा गलत नहीं है। चल यार तू जब बाइक दिखा दूंगा ना कोई बात नहीं, पर अभी ना मैं सही करूँगा, तू बता बाल काट रहा कितनी देर में काट रहा मेरे बाल, मैं वहाँ से आते तेरे बाल काटूंगा पहले, बस बाकी कचम बाल काट लेनी सेट से, मैं जो तू कहेगा वो करूँगा। तो ठीक है फिर दोस्तों, बाइक की तो भाई मैंने बिल्कुल मना कर दी थी इसको क्योंकि जिद कर रहा था, बट मुझे इसकी हालत ठीक से नहीं लग रही थी इसलिए मैंने इसको मना कर दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सुन है थोड़ा बहुत। फिर मैं घर पर आकर थोड़ा सा अपने मामा के लड़के के साथ थोड़ी सी मैंने पढ़ाई क्या कर ली, ये थोड़ा सा ABCD पढ़ रहा था तो मैंने भी थोड़ी सी ABCD पढ़ ली, काफ़ी टाइम बाद भाई ABCD पढ़ी है मैंने, तो यही है इससे बातें कर रहा हूँ मैं आराम से बैठ के, ये अपना होमवर्क कर रहा है स्कूल का। इसी के साथ दोस्तों भाई रात हो गई और रात में मैं और मेरे मामा निकल गए कहाँ पर टहलने के लिए थोड़ा सा, तो टहलने के लिए हम निकल गए, बातें करते करते जा रहे हैं थोड़ा सा,
फिर हमने रास्ते में से ली एक हेल, सिर्फ मैंने नहीं ली, फिर भाई मामा ने भी ली, दोनों ने हेल पी और हेल पीते पीते हम घूमे। तो दोस्तों भाई दोनों मामा भांजे सुख दुख की बतला रहे और ये कभी कभी हम बतला लेते हैं, तो मामा अपनी बताते हैं, मैं अपनी बता देता हूँ और हमारी वैसी बात चल रही है और हम घूम रहे हैं, घर जा रहे हैं अभी फिलहाल। और मेरे नन्ना जी लिया मामा के छोटे वाले लड़के के लिए भाई आइसक्रीम, मेरा ही मन था बट मैंने तो हेल पी ली थी, छोड़ो। फिर मेरा निकलने का हुआ यहाँ से दिल, निकलने का दिल क्या, घर तो जाना ही था, बैग वैग टांग के मैं भाई अब निकलने की कर रहा हूँ यहाँ से तैयारी। तो मैं तुम्हें बता दूँ रात के बज रहे कितने, 9:30 बज रहे हैं, मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा या 10:30 बज रहे हैं पर पहुँच मैं जाऊँगा 1 घंटे में। मैं अपनी MT पे बैठ चुका हूँ और MT पे सफ़र करने में बहुत ज़्यादा आता है मज़ा। किसी दिन आप भी MT की राइड पे राइड लेना भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आवा है सीरियसली, इसकी आँखें देख लो बड़ी ख़तरनाक। तो दोस्तों मैं भाई रास्ते से जा रहा था तो भाई कुछ मतलब थोड़ी देर में बस पहुँचने वाला था, बट क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी आँख में पता नहीं क्या चला गया, थोड़ा मच्छर चला गया। रोड पर कोई था नहीं, सुनसान सी रोड पड़ी थी, बस ट्रैफिक ही ट्रैफिक था, मतलब गाड़ियाँ जाई जा रही थी, हालत बड़ी बेकार हो गई थी धूल मिट्टी की वजह से। तो वही मैं निकाल रहा हूँ अपनी आँख और देख लो कोई नहीं है, एकदम सुनसान पड़ा है क्योंकि रास्ता एकदम सुनसान रहता है लोनी से लेके बागपत तक का। और चंदा मामा देख लो दूर के, चंदा मामा दूर के नहीं, अब देखो कितने पास के हो गए, ये देखो ये हो गए पास के टिनी निंग निंग, अब हो गए दूर के टिनी निंग निंग, अब हो गए दूर के टिनी निंग निंग। घर पर पहुँचते के साथ ही मुझे डॉलर उठा हुआ दिखाई दिया, ये तो उठा रहता है हमेशा, मेरे तो इंतज़ार करता रहता है कब बाबू आएगा बाहर से। बस बाइक को अंदर करके सीधा हम भी अंदर आए और सब लोग यहाँ पर सो गए, बस मम्मी उठी हुई है और ये देखो कितनी गंदी सी हो गई है, सुबह दिखाऊंगा, अभी तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है बहुत ज़्यादा। ठीक है फिर दोस्तों आज के इस व्लॉग को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, मैंने कर दिया भाई अपनी मम्मी को परेशान, 11:30 बजे मैं पहुँच गया घर पर। तो ठीक है हम मिलते कल एक न्यू व्लॉग में, जय श्री राम।